अच्छा जी, एक चीज अक्सर मैं कमेंट्स में देखता रहता हूं कि जब आप वेट लॉस की बात करते हैं तो लोगों का ये परसेप्शन है कि वेट लूज करना काफी आसान है। आप स्टार्वेशन मोड पे चले आए, भूखे रहें सारा सारा दिन, 15 15 16 16 घंटे की फास्टिंग करें, 10,000 स्टेप्स 2 3 बार चल रहे हैं, एंड यू गेट द जॉब डन। यानी वेट लूज करने में कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। लेकिन जब आप वेट गेन की बात करते हैं, जब आप बल्किंग की बात करते हैं, तो ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें मुस्तकिल आपको खाते रहना है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गैस एंड ब्ला 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 ब्ला। जबकि मेरा ओपिनियन इस पे ये है कि अगर बल्किंग सलीके से की जाए तो उसके आप बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर आप बदतमीजी से करें सो उसके रेपरकशंस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो आज मैं क्या कर रहा हूं, सौरभ सिंह राजपूत, AKA फिट माइंड्स, AKA सिंघा, उसने अपनी फिजिक को, जिसको वो खुद स्किनी कहता है, इस फिजिक से किस तरह से वो एक पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म हुआ, आज हम ये सुनने जा रहे हैं। एंड इनफैक्ट उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के किस तरह से उसने खुद की बल्किंग परफॉर्म की और क्या ये एक आम आदमी उसको कॉपी करके सिमिलर टाइप के रिजल्ट्स अचीव कर सकता है। सो वी आर गोइंग टू बी रिएक्टिंग टू इट, सो लेट्स रिएक्ट। हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग? दुआ करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे हो। सो आज से करीब करीब 8 साल पहले क्लास 11 में मैंने जिम जाने का सोचा। ये थी मेरी फिजिक, अराउंड 50 किलो वजन होगा, 5 फीट 9, 5 फीट 10 के अराउंड हाइट, और बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट। और जिम जाने के लिए क्यों सोचा? इसलिए सोचा क्योंकि स्कूल में हर किसी के साथ हुआ होगा, लड़के के साथ एक छोटी सी लड़ाई हो गई जहां मैं पिट गया, और मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ कि यार मैं बड़ा कमजोर हूँ। उस लड़के पे उतना गुस्सा नहीं आया, मेरे को खुद पे एक गुस्सा आया कि मैं बड़ा वीक हूँ, मैं बड़ा कमजोर हूँ, कि वो मुझे मारता गया, मेरे अंदर बॉडी में उतना पावर ही नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं, क्योंकि मैं बहुत पतला हूं। तो आई नीड टू ट्रांसफॉर्म, मुझे करनी है गेनिंग, मुझे करना है ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे बनानी है बॉडी। आज तो मुझे थैंकफुल होना चाहिए उस बंदे को जिससे लड़ाई हुई थी, क्योंकि उसी के कारण मैं यहां से यहां पहुंच पाया। दुनिया में धोखे और ठोके, इन दोनों की अपनी ही वैल्यू है, अपनी ही जगह है, क्योंकि यही दो रीजंस हैं जिसकी वजह से मेजर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस, मोस्ट कॉमन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। कि अगर आप बचपन में किसी से ठोके हो, सो एज अ रिजल्ट, एज यू नो, एज अ रिएक्शन, आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। या फिर अगर आपको धोखा मिला है, सो उस केस में भी आपको मेजर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मिलती हैं, जिसका टाइटल होता है ठुकरा के मेरा प्यार। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, आपको अपनी फिजिक चेंज करनी है, आप पतले हो, 40 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 55 किलो, बहुत सारे लोग रहते हैं 11th में, 12th में, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके कारण, तो आपको कैसे चेंज होना है? अच्छा, एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे रख दूं कि लेट्स से अगर आपका इस वक्त स्टार्टिंग वेट है 40 किलो या फिर 50 किलो या फिर 60 किलो, और इस बल्किंग के अख्तिताम पे अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो एंड वेट होगा या एंड जो बॉडी फैट होगा, अगेन वेट और बॉडी फैट, वो सौरभ की तरह दिखना शुरू हो जाएगा, तो सर देखें, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि एट द एंड ऑफ द बल्क आप इसकी तरह दिखेंगे। इवन अगर आप सिंगर की बात करें तो उसका स्टार्टिंग वेट, जिसको वो कह रहा है कि वो स्किनी था, बहुत सारे लोग जब आप स्किनी की बात करते हैं, इससे भी पतले से भी कमजोर होते हैं। सो अगेन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, हैव ए रियलिस्टिक गोल, ए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। एंड मैं कोई बहुत अमीर घर से नहीं हूँ, मेरे पे कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, बट बजट मेरा वही महीने का 2500 आ जाए, घर से महीने का 3000 आ जाए, उसी में मैंने ट्रांसफॉर्म करके दिखा दिया था। मैं आपको हॉस्टल के जिम की फोटो शेयर कर सकता हूँ जहाँ पे मैंने बहुत बढ़िया फिजिक बना के रखी हुई थी। फॉर मेजोरिटी ऑफ द जनरल पब्लिक, ये जो सिंगर ने अपनी ये फिजिक शो करी है, जो कि उसने इन अ मैटर ऑफ 2 3 ईयर्स अचीव कर ली, बहुत से लड़के 5 साल में भी ये फिजिक अचीव नहीं कर पाते। सो दैट इज वाई मैंने कहा कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप सेट करें, और सिंगर की ये जो 2 3 साल वाली फिजिक है, आप ये देखें कि ये शो करता है कि उसके जेनेटिक्स कैसे हैं। आई वुड से ही हैज अबव एवरेज जेनेटिक्स, सो डोंट एक्सपेक्ट टू लुक लाइक हिम एट द एंड ऑफ द बल्क। और एक चीज एंड में रखें कि इट कैन गो इधर वे, हो सकता है कि 4 5 साल बाद आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सिंगा से बेहतर हो, ऑन द फ्लिप साइड ये भी हो सकता है कि आप उसकी तरह ना दिखें। एंड दैट इज व्हाट आई से द ब्यूटी ऑफ बॉडी बिल्डिंग, आपको नहीं पता कि आप कहाँ जाके रुकोगे, आप सिर्फ चलते जाओ, कीप हसलिंग, कीप मूविंग। बट द रियलिटी इज मोस्ट पीपल एट द एंड ऑफ 3 4 और इनफैक्ट 5 ईयर्स, दे आर नॉट गोइंग टू लुक लाइक सिंगा। और उसके बाद वही YouTube स्टार्ट किया, तो थोड़े बहुत पैसे हैं, तो मैंने और अपनी फिजिक को अच्छा किया और पैसे डाले। ऑब्वियसली जितना पैसा डालोगे उतना ही बढ़िया है, बट आप एक कम बजट में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। देखिए, प्रो बॉडी बिल्डिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वो भी एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। लेकिन जब आप बॉडी बिल्डिंग या फिर वेट ट्रेनिंग ये जहन में रख के करते हैं कि आपको एक सर्टेन लुक इख्तियार नहीं करना, आपको इनफैक्ट अपने
थोड़ा सा डिसेंट दिखने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए, या फिर ये कहें कि अपने जॉइंट्स को बेहतर बनाने के लिए, उनकी मोबिलिटी के लिए, ओवरऑल लॉन्जेविटी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए जब आप वेट ट्रेनिंग या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, सो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वो फिर एक्सपेंसिव नहीं रहता। आप घर का खाना खा कर भी बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो गलती करता था क्लास स्कूल से लेके कॉलेज के सेकंड ईयर तक, वो था ब्रेकफास्ट स्किप करना। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे कि हम स्कूल जाते हैं ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। कॉलेज में तो आई थिंक जो हॉस्टल में रह रहे हैं 80% लोग ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते, बिकॉज वही ब्रेकफास्ट उतना अच्छा नहीं होता। मैं हॉस्टल में था तो खाना उतना अच्छा नहीं था, बहुत ऑयली चीजें मिलती थी सुबह सुबह, तो मैं अवॉइड करता था, मैं सीधा कॉलेज चले जाता था। सुबह 8:30-9 की क्लास होती थी, उतना टाइम भी नहीं मिलता था, एंड उसके साथ मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता था। एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन इश्यू दीस डेज। होता क्या है आजकल, लड़के यूजुअली सोते हैं, लेट्स से एक इंसान, एक लड़का, एक कॉलेज बॉय सो रहा है 12 बजे, शरीफ लड़कों की बात कर रहा हूँ, वो उठा लेट्स से 7:30 बजे, 8 बजे उसकी क्लास है, तो सर वो आधे घंटे में उसको कॉलेज का भी सफर है, एंड यू नो नाश्ता वो मैनेज नहीं कर पाते। सो मोस्टली लड़के क्या करते हैं, वो कहते हैं यार मैं दोपहर में खाऊंगा, अभी फिलहाल जाने तो उसको छोड़ दो। सो व्हाट दे डू इज वो स्किप कर देते हैं ब्रेकफास्ट को। अच्छा जी, फिर उनको लेट्स से लंच टाइम में 2 बजे टाइम मिला, उन्होंने जाके लंच कर लिया, यानी बाय द टाइम वो लंच यू नो लंच बॉक्स लेके अपना बैठेगा, लेट्स से उसने रात में 10 बजे खाना खाया था, सो जब 2 बजे वो लंच करेगा अगले दिन, तो लगभग 16 घंटे उसको हो चुके हैं फास्टिंग करते हुए। अब लेट्स से किसी की कैलोरिक रिक्वायरमेंट, लेट्स से उसको हिट करना है बल्किंग के लिए 3000, 1000 ब्रेकफास्ट, 1000 यू नो लंच एंड देन डिनर, लेट्स से फॉर इंस्टेंस। अब लंच तक पहुंचते पहुंचते क्योंकि उसने सुबह का ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, सो वो 2000 कैलोरीज की उसने मील खानी, एंड दिस इज द पॉइंट जो के जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वेट गेन नहीं कर पाते, या फिर बल्किंग सक्सेसफुली उसको एंड अप नहीं कर पाते, क्योंकि अब एकदम से जब आपने यू नो ब्रेकफास्ट को स्किप किया, अब आपने 2000 कैलोरीज का फूड खाना है, विच मीन्स यू हैव लाइक लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ फूड। सो इन दैट केस मोस्ट पीपल जिनका वेट गेन नहीं हो पाता, या इनफैक्ट जो उसके एक्टोमॉर्फ्स होते हैं, दे आर नॉट बिग ईटर्स। सिंस दे आर नॉट बिग ईटर्स, सो वो खाने को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। जब वो मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फिर इनफैक्ट वेट कैसे उनका गेन होगा। सो दिस इज द पॉइंट जहां पे बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। सो इफ यू हैव इश्यू कि आपको सुबह नाश्ते की आदत नहीं है, फिर आपको किसी वजह से स्किप करना पड़ता है, सो अनलेस यू आर इनफैक्ट यू नो ए बिग ईटर, डू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट। क्योंकि देखें ये छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं जो कि जिस तरह कतरा कतरा दरिया बनता है ना, उस तरह से आपके छोटे छोटे जो हैबिट्स होते हैं वो आपको उस वक्त तो नहीं पता लग रहा होता, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब आप बल्किंग के यू नो स्टेट पे आते हैं या फिर उसको प्लान करते हैं, सो ये सब चीजें यू नो थोड़ी थोड़ी कर करके आपको हर्ट कर रही होती है। सो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है वो है कि डाइट प्लान कैसे बनाना है। आई थिंक हर एक बंदे को यही ज्यादा बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बहुत कंफ्यूजन होती है कि हमें अपना डाइट करना क्या है। अगर आपको गेनिंग करनी है, अगर आपको डाइट अपना गेनिंग के हिसाब से रखना है, तो ऐसी 5-6 चीजें जो आपके घर पे हैं, सस्ती होती हैं, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो मैं यूज कर रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से हो जाएगा राइस, चावल। आपने कम से कम दिन में अपनी डाइट में 2 बार चावल अच्छे से खाना है। उसके साथ साथ हो जाएगा आपका आलू, जितना हो सकता है आपने करीब करीब दिन में कम से कम 4-5 आलू रखने हैं अपनी मील में, कम से कम 200-300-400 ग्राम आलू खाने हैं, जितना आपकी एपेटाइट अलाउ कर रही है, धीरे धीरे उस एपेटाइट को बढ़ाएंगे। देखो वेट गेन में बंदे का एपेटाइट कम होता है, जो 40-50 किलो का है उसको भूख कम लगती है, एपेटाइट कम होता है, तो एक बार में नहीं खाना है, आपने थोड़ा थोड़ा करके एपेटाइट बढ़ाना है। 6-8 महीने में आपका एपेटाइट बढ़िया हो जाएगा, एंड जैसे जैसे आप बॉडी बनाओगे थोड़ा बहुत मसल आएगा, थोड़ा बहुत वेट गेन होगा और एपेटाइट बढ़ती जाएगी। वर्कआउट में अगर जान लगाओगे तो एपेटाइट बढ़ेगी। स्लो एंड स्टेडी, अगर आपने बॉडी बिल्डिंग के जरिए एक अच्छी फिजिक डेवलप करनी है, सो स्लो एंड स्टेडी इज द कोड। कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती, इट टेक्स टाइम टू डेवलप। आपके मेटाबॉलिज्म को डेवलप होने में इनफैक्ट जो एक चेंज होता है, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपना यू नो वॉल्यूम ऑफ फूड बढ़ा रहे हैं, उसको अडेप्ट करने में टाइम लगता है। एंड वंस यू स्टार्ट गेनिंग मसल्स आफ्टर अ वाइल, टेक्निकली आपका BMR ऊपर जा रहा है, विच मीन्स के योर मेटाबॉलिज्म इज अडेप्टिंग टू द न्यू चेंज जो कि आप ट्रेनिंग के जरिए स्टिमुलस कायम कर रहे हो, या फिर ज्यादा फूड खा के उसको अपने मेटाबॉलिज्म को एक नया सेट पॉइंट देने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस इज हाउ यू अचीव अ न्यू सेट पॉइंट, लेकिन अगेन उसमें टाइम लगता है। यानी अगर आप day 1 पे इतना सारा यू नो लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ फूड खाना शुरू हो जाओगे एंड यू आर एक्सपेक्टिंग जी फौरन से रिजल्ट आएंगे, सर ऐसा नहीं होगा, इट टेक्स टाइम, दैट इज स्लो एंड स्टडी। थोड़े टाइम बाद आप देखोगे हाँ यार यही अमाउंट ऑफ फूड अब मैं इजिली खा पा रहा हूँ, माई बॉडी माई इनफैक्ट मेटाबोलिज्म इज इजली एबल टू मैनेज लार्जर वॉल्यूम्स ऑफ फूड। सो स्लो एंड स्टडी इज द कोड। उसके साथ बनाना, दिन में कम से कम 4-5 केले आपको खाने हैं, सस्ता होता है एंड बहुत ज्यादा बढ़िया है। वर्कआउट से पहले दो, वर्कआउट के बाद दो। केले खाने हैं, समझ रहे हो ना हरामी लॉन्डो। एंड उसके बाद शेक आपको कम से कम दिन में 2 बार पीना है, एक हो जाएगा ब्रेकफास्ट में, एक हो जाएगा जिम के बाद। ये 2 टाइम आपको शेक बना के पीनी है। शेक में आप ओट्स, केले, दूध, ड्राई फ्रूट्स। शेक्स आर आई वुड से द बेस्ट स्टफ फॉर बल्किंग।
बल्किंग में शेक्स का एक अपना ही रोल होता है। लेट्स से अगर आपको कोई गया, आप गेनर ले लो, सो मैं इस पे कहूंगा यार आपने कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दूध लेना है, कार्ब की जगह आप चाहे बनाना ऐड कर लें या फिर ओट्स ऐड कर लें, 1 से 2 टेबल स्पून पीनट बटर एंड दैट्स इट। एंड इफ यू कैन मैनेज यू नो अ स्कूप ऑफ लाइक 25 to 30 grams ऑफ प्रोटीन पाउडर आप उसमें ऐड कर दें, एंड आउट ऑफ नो वेयर यू हैव अ हाई क्वालिटी हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी शेक इन योर फ्रिकिन हैंड्स, जिससे आप आराम से 700 के करीब या इनफैक्ट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द इंग्रेडिएंट्स उनका कितना वॉल्यूम या कितनी क्वांटिटी ली है, 700 से लेके 800 साढ़े 800 कैलोरीज तक भी इजिली आप कैलोरीज को मैनेज कर सकते हैं। और एक एडिशनल टिप, अगेन सुनने में शायद आपको थोड़ी सी स्ट्यूपिड लगे, लेकिन अगर आप उसी शेक में 1 से 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल दें, यानी 15 ml के आसपास, सो यू आर लाइक एडिंग 125 कैलोरीज इन योर प्रोटीन शेक और इन योर फ्रिकिन शेक। अगेन सुनने में ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन दिस इज हाउ पीपल डू बल्किंग, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अपने भी बेनिफिट्स होते हैं। सो रिगार्डलेस यू डू दिस एडिशनल टिप और नॉट, शेक्स आर यू नो द ऑलवेज ऑलवेज द मोस्ट इफेक्टिव स्टफ, क्योंकि जो डाइट प्लान होगा वेट गेन का गेनिंग का, उसमें हाई कार्ब हाई फैट एंड मॉडरेट प्रोटीन से काम चल जाएगा। क्योंकि अभी आप एक बिगिनर हो, अभी आप 40-50-55 किलो को हो, तो आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी बॉडी की। 90-100 ग्राम प्रोटीन भी खाओगे एनफ है, दिन का 1 स्कूप वे प्रोटीन खाओगे वो भी एनफ है। आपको डेली कितना प्रोटीन इनटेक करना चाहिए? सबसे आसान तरीका है कि आपका जो बॉडी वेट है इन केजीज, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें बाय द फैक्टर 1.8। लेट्स से आपका वजन है 50 किलो, उस 50 किलो में आप 1.8 से उसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना बना? लगभग 90 ग्राम, यानी 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपने डेली इनटेक करना है। या अगर आपका वजन है 60 किलो, उसको मल्टीप्लाई करें 1.8 से, राउंड ऑफ करके वैल्यू आएगी लगभग 110 ग्राम्स, यानी क्या इससे ज्यादा एक 60 किलो के आदमी को प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती? देखें, इससे ज्यादा हो सकता है आपको, अगर आप 110 ग्राम प्रोटीन खा रहा है एक 60 किलो का बंदा वर्सेस 150 ग्राम, इनफैक्ट अगर 200 ग्राम प्रोटीन अगर आप उसको दे दें, सो हो सकता है कि थोड़ा बहुत यू नो बेनिफिट उस एक्स्ट्रा जो प्रोटीन इतना इतना वो खा रहा है उसको, उसकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट हो जाए, उसका उसको उससे फायदा हो जाए। लेकिन इन द लॉन्ग रन आप देखें उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे। पहली चीज फाइनेंशियल इम्पैक्ट, क्या वो 200 ग्राम प्रोटीन एक 60 किलो का बंदा यू नो वो अफोर्ड कर सकता है? प्लस फिर उसकी वजह से जो गैस, ब्लोडिंग, कॉन्स्टिपेशन, उसकी वजह से आपको अपना फाइबर इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, जो कि फुली यू नो आपको सेशिएट करता है, आपको फुल करके रखता है। उसकी वजह से आपके बल्किंग के जो यू नो इम्पैक्ट्स या उसकी जो कोर्स है वो भी अफेक्ट हो सकता है। यानी इट्स नॉट लाइक के वो चीज़ ख़राब होगी अगर आप 200 ग्राम प्रोटीन इंटेक कर लोगे, थोड़े से बेनिफिट के लिए आपको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। सो 1.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट इज लाइक द बेस्ट फॉर मोस्ट पीपल। क्योंकि हर एक बिगिनर सप्लीमेंट लेना चाहता है, हर एक बंदे को सप्लीमेंट की बड़ी ये रहती है, तो मैं कौन सा सप्लीमेंट यूज करता था आपको यूज करने के सजेस्ट करूंगा। देखिए, अगर आपका बजट है तभी सप्लीमेंट जरूरी है, मैं ऐसे किसी को फोर्स करके नहीं बोल सकता कि आपको सप्लीमेंट लेना ही है। मोस्ट यूजफुल मेरे को लगता है गेनिंग के टाइम में सप्लीमेंट होगा वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अगर आप 40-50 किलो के बंदे हो, क्रिएटिन को आप यूज करोगे वो आपको स्ट्रेंथ में हेल्प करेगा, बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है एंड उतना एक्सपेंसिव नहीं है, अराउंड 500-600 रुपए में आपको एक महीने का मिल जाएगा एंड वो आपको हेल्प करेगा। क्रिएटिन इज द मोस्ट वेल रिसर्च सप्लीमेंट जो कि आप इवन एक बिगनर को भी दे सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, स्ट्रेंथ डेवलप होने में टाइम लगता है, मसल्स गेन करने में टाइम लगता है। यस, क्रिएटिन आपको हेल्प तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक आम आदमी है, इनफैक्ट एक पैरेलल एक और इंसान है जो कि वही सारी चीजें कर रहा है जो आप कर रहे हो, लेकिन सब आपके क्रिएटिन लेने से यू आर गोइंग टू लुक लाइक यू नो 30 pounds हैवियर। मसल्स ग्रो करने में जितना टाइम लगता है लगेगा, स्ट्रेंथ डेवलप करने में जितना टाइम लगता है इवन आफ्टर यूजिंग क्रिएटिन वो लगेगा। सो स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस, ये चीज, ये कोड जहन में रखना। उसके साथ साथ वे प्रोटीन किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं जनरली मसल बेस का यूज करता हूँ हमेशा, तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपका बजट है। हमेशा एक ऐसा सप्लीमेंट ब्रांड, ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड आपने यूज करना है जो कि यू नो ग्लोबली सर्टिफाइड एक लैब टेस्टेड प्रोग्राम में हो, जो कि इनफैक्ट मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, जस्ट लाइक इनफॉर्म स्पोर्ट्स, जस्ट लाइक NSF, जिसमें आपको सप्लीमेंट की कंटेमिनेशन का प्रॉब्लम ना हो। आपको नहीं पता कि कहीं उसमें खुदा ना खासा किसी मैन्युफैक्चरर ने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कोई स्टेरॉइड वगैरह ना डाल दी हो, या ये कहें कि वो हैवीली कंटेमिनेटेड हो बाय हैवी मेटल्स, जिसमें अमीनो स्पाइकिंग ना कर दी गई हो। सो ऑलवेज परचेज प्रोटीन सप्लीमेंट्स दैट आर अंडर यू नो बिग ग्लोबल लैब टेस्टिंग प्रोग्राम्स। उसके साथ फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिश ऑयल आई वुड से कैन बी हेल्पफुल फॉर यू नो गेटिंग ओमेगा 3s, अगर आप प्रॉपरली अपनी यू नो डाइट से, न्यूट्रिशन से उसको नहीं इंटेक कर पाते। लेकिन जब आप मल्टीविटामिन्स की बात करते हैं, सो इन माय व्यू आई वुड से दे आर ऑफ नो यूज, या फिर उसका जो
प्रॉपर यूजेज होना चाहिए था, क्योंकि वो आपकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो वेरी करती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक मल्टीविटामिन एक ऐसे इंसान की रिक्वायरमेंट पूरी करे। लेट्स से उसकी रिक्वायरमेंट जिंक की है 50 मिलीग्राम्स, किसी और की हो सकता है थोड़ी कम हो, वो दूसरी चीजों से जिंक इनटेक कर रहा हो, यू नो न्यूट्रिशन से एंड अदर स्टाफ। सो वही एक 50 ग्राम कप, यू नो उस मल्टीविटामिन में जो जिंक 50 ग्राम है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि वो दोनों की रिक्वायरमेंट को बराबरी से पूरा करेगा, या फिर किसी की रिक्वायरमेंट 5000 IU ऑफ विटामिन D3 की डेली रिक्वायरमेंट है। अब हो सकता है किसी और की वो सारा दिन यू नो सनलाइट में धूप में सारा दिन बाहर होता है, उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, तो क्यों वो फालतू में विटामिन D3 इंटेक करेगा। सिमिलरली द सेम गोज विद B12, किसी को ज्यादा जरूरत होती है किसी को कम होती है। सो द बेस्ट स्टफ आई वुड से इज हमेशा जो चीज आपकी यू नो जरूरत है, अगेन बेस्ड ऑन योर ब्लड वर्क, बेस्ड ऑन योर ओन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, उसका सेपरेट सप्लीमेंट आप ले लें, बट आई वोंट रेकमेंड मल्टी विटामिंस टू बी ऑनेस्ट। मास गेनर्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं, अगर आप बहुत बहुत पतले हो, बहुत खाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एपेटाइट बढ़ाने के लिए 2-4 महीने आप यूज कर सकते हैं जरूर। कभी कभी मैं सजेस्ट करूंगा उसकी भी आदत मत डालना, क्योंकि देखो घर का खाना रियल फूड से बढ़िया कुछ भी कोई भी सप्लीमेंट नहीं। आई विल नेवर एवर रेकमेंड गेनर्स, उससे बेहतर है आप फिर घर में ही बैठ के शेक्स बना लें। और दो बहुत ही बढ़िया चीजें हैं जो आपको कैलोरी सरप्लस डाइट मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि गेनिंग के लिए आपको एक 300 से 400 कैलोरीज के सरप्लस में रहना पड़ता है अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से, वो है घी एंड ऑयल। तो अगर आप दाल खा रहे हो उसमें एक चम्मच घी डाल सकते हो, क्योंकि एक चम्मच घी इज अराउंड 80 to 100 कैलोरीज, उन्हें आपको पता भी नहीं चलेगा आपने 100 कैलोरीज कैसे पूरी कर ली। एंड किसी चीज में आप ऑयल थोड़ा यूज कर सकते हो, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारी ऑयल, तो आपको वो कैलोरीज का पता नहीं चलेगा कि आपने 300-400 कैलोरीज कब खा ली, आपकी भूख तो सेम ही है, क्योंकि इनकी वॉल्यूम बहुत कम है इन खानों की। बट यू नीड टू मेक श्योर कि कहीं सरप्लस के चक्कर में जोश में आगे कहीं आप इतना ना सरप्लस कर बैठे कि यू एंड अप बीइंग अ फैट सो, क्योंकि बहुत सारी बल्किंग ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। लेट्स से 300 कैलोरीज का आपको सरप्लस करना था, आप जोश में आके यू नो 400 500 600 का सरप्लस करके बैठे हैं, सो एट द एंड क्या होगा, यस यू विल गेन लाइक सम सॉर्ट ऑफ मसल, लेकिन आपका बॉडी फैट, लेट्स से आप 10% बॉडी फैट पे थे बिफोर बल्क, आफ्टर बल्क यू आर लाइक 25% बॉडी फैट। सो उसके इम्पैक्ट्स अगेन आपके हार्मोन्स पे एडवर्सली उसको इफेक्ट करेंगे, मे बी यू फेस इश्यूज ऑफ यू नो लो लिबिडो या फिर लो टेस्टोस्टेरोन इश्यूज, एज अ रिजल्ट यू आर नॉट गोइंग टू गेन मसल्स। सो बी वेरी केयरफुल जब आप सरप्लस को ऐड करें, यू नो प्ले स्मार्टली, अगेन स्लो एंड स्टेडी विंस। उसके बाद वर्कआउट प्लान क्या फॉलो करना है, क्योंकि हर कोई जाके ट्रेनर हायर नहीं कर सकता एक 10,000 रुपए का, या आपको यूट्यूब पे मिल सकता है बट उस टाइप का आपको समझ नहीं आएगा। मैं तो यही कहूंगा कि वर्कआउट एक बंदा अपनी एक्सपीरियंस से सीखता है, उसकी बॉडी पे क्या काम करता है, अपना टाइम देके सीखता है, अपनी एफर्ट देके सीखता है। बट एक चीज है कि आपको हर दिन आपको कोशिश करनी है कि जो आपके मेजर मसल ग्रुप्स हैं वो हफ्ते में 2 बार ट्रेन हो। मेजर मसल ग्रुप्स आई थिंक चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, आपके लेग्स हो गए। अगर आप छोटे छोटे जो मसल्स हैं एब्स वगैरह, इनको फोरआर्म वगैरह, इनको हफ्ते में एक बार भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मेजर मसल ग्रुप है उनको हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना जरूरी है। मैं जो फॉलो करता था वो पुश पुल लेग्स हैं, एंड वो रिपीट करता था मैं हफ्ते में 6 दिन। ट्रेनिंग लार्जर मसल ग्रुप्स यू नो ट्वाइस पर वीक इट्स लाइक अ वेरी गुड आइडिया टू बी ऑनेस्ट, स्पेसिफिकली बिगनर्स की बात करें, किसी की भी बात करें, इट्स अ गुड आइडिया। लेकिन अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जस्ट लाइक पुश पुल लेग्स की जैसे आप बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो बहुत सारे लोगों के लिए सूटेबल है कि वो पुश पुल लेग्स पे जाएं, लेकिन बहुत सारे हो सकता है लोगों के लिए सूटेबल ही ना हो। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि दे आर बिजी, दे कैन नॉट मैनेज यू नो नॉट मोर देन 3 डेज ऑफ वर्कआउट स्प्लिट और 3 डेज ऑफ वर्कआउट अ वीक। सो उनके केस में हो सकता है दे आर गोइंग टू डू यू नो लाइक फुल बॉडी प्रोग्राम एंड समथिंग लाइक दैट। सो जो प्रोग्रामिंग होती है वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा अगर लिस्ट से फॉलो करे तो वो सब पे अप्लाई हो जाए, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैनेज की जाती है, उसको परफॉर्म किया जाता है, और आपने ये देखना होता है कि विच सिस्टम इनफैक्ट विच प्रोग्राम फॉर यू वर्क्स द बेस्ट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने मैनेज करना है। उसके साथ साथ आपने कार्डियो करना है कि नहीं, तो आई वुड सजेस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको जिम में कार्डियो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेनिंग कर रहे हो, आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, आप अपनी हार्ट हेल्थ वगैरह के लिए कोई स्पोर्ट खेल सकते हो, कभी कभी आप वॉक कर सकते हो, बट एक इंटेंस फॉर्म ऑफ कार्डियो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर आप एक एथलीट हो फिर वो बात अलग हो जाती है, बट मैं इंटेंस फॉर्म कार्डियो सपोर्ट नहीं करूंगा अगर आपका गोल है गेन करना। चाहे आप मस्कुलर दिखो ना दिखो, यू नीड टू वर्क ऑन योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ऐसी बॉडी का कोई फायदा नहीं है कि जहां पे उसका दिल ही कमजोर हो। क्या फायदा ऐसे डोले का कि जो दिखने में तो ठीक ठाक चौड़ा है, लोग उस यू नो उसको देख के रश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो खोखला है, वो उसका दिल ही मजबूत नहीं है, उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ही लिटरली फेल हुआ हुआ है। आई डोंट गिव अ क्रैप वेदर यू लुक गुड और नॉट, लेकिन अगर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अगर वो वीक है, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग टू योर लाइफ। सो रिगार्डलेस बल्किंग करनी है करें,
सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे आने आए, आई डोंट गिव, यू नो, आई डोंट माइंड, आई डोंट लिटरली गिव अ क्रैप, लेकिन इफ यू आर नॉट ट्रेनिंग योर, यू नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल, दैट इज योर हार्ट, यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट. Of course, not very intensive, like 40-50 minutes of cardio every day. Lekin 10-15 minutes or even 20 minutes of walking, वो भी cardiovascular system के लिए helpful साबित हो सकता है. ज़रूरी नहीं है आपको घंटों के हिसाब से दौड़ लगानी हो. और bodybuilding की जब आप बात करते हैं, you need to think over, you know, in the longer run than for shorter cuts. उसके बाद सबसे important चीज इस वीडियो की कि क्यों आजकल के बंदे टाइम देने को तैयार नहीं है. क्यों? बहुत इजी है किसी बंदे की मेहनत के नीचे कमेंट कर देना स्टेरॉइड्स वगैरह. मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि तू स्टेरॉइड्स लेता है, यू आर नॉट नेचुरल, योर प्रोग्रेस इज नॉट नेचुरल. बट वो ये नहीं देखते कि मैंने 8 साल इस चीज को डिवोट कर दिया है. तो आपने टाइम देना है. आई वॉज 48-47 kgs. मैंने 48-47 kgs से धीरे धीरे, एक बार में तो हुआ नहीं, फर्स्ट ईयर ऑफ जिम में 55 पहुंचा, दूसरे में 60 पहुंचा, तीसरे में 65, 5 साल बाद में 80 kg पे था, 85 पे आया, 90 पे आया. तो ऐसे तो हुआ नहीं कि मेरा एक ही बार में हो गया कुछ. बहुत डाइट करी है भाई, बहुत वर्कआउट करा है, बहुत जान लगाई है, बहुत टाइम दिया है. एक 2000 के बजट से आज 20,000 के बजट पे हूँ, मेहनत से, खुद की मेहनत से. तो आपके घर वाले जितना दे सकते हैं, आप उस बजट में जितना मेहनत हो सकता है उतना मेहनत करिए और टाइम दीजिए. जब आप अर्न करेंगे तो ऑब्वियसली आप ज्यादा लगा सकते हैं टाइम. आई वुड हाईली रिकमेंड माई वीडियो दैट वॉज हाउ मच मसल कैन यू बिल्ड नेचुरली. उसमें हमने ट्रेंड्स डिस्कस किए थे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थे, कि किस पेस से एक इंसान मसल गेन कर सकता है, क्या जिंदगी भर कर सकता है, या फिर इज देयर एनी लिमिट. सो उस ट्रेंड को समझना इनफैक्ट बहुत जरूरी है. ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको लगता है कि जी 6-6 महीने में हम एक अच्छी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. फॉर बॉडी बिल्डिंग इट टेक्स ईयर्स इफ नॉट डेकेड्स. कोई आपको बोल रहा है कि स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, नेचुरली नहीं होता, ये जो यूट्यूबर्स हैं वो नेचुरल नहीं है, मैं 100% दावा कर सकता हूँ. उस बंदे ने मेहनत नहीं करी है, आपने बस चुपचाप 5-6 ईयर्स डिवोट करने हैं, शाम के 2 घंटे जिम करना है, बढ़िया खाना खाना है. ये हकीकत है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पे वो झूठ बोलते हैं, एंड इनफैक्ट दे आर नॉट नेचुरल, दैट इज इट. लेकिन सर ये भी हकीकत है कि बहुत सारे नेचुरल हैं भी. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उंगली उठाते हो या फिर अपने हिस्से का भी काम करते हो. इन माई व्यू आप सब छोड़ दो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से का काम करो, एंड दैट्स इट, एंड लीव द रेस्ट टू हिम. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्यों इतना टाइम देना, क्यों इतना ये करना बॉडी बनानी है. तो बहुत सारे लोगों का एडिक्शन नशा भी है, बहुत सारे लोगों का एडिक्शन पोर्न भी है. तो अगर जिम एडिक्शन बन जाए तो उससे बढ़िया क्या है? आपकी लाइफ सही ट्रैक पर जा रही है, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, बस और क्या चाहिए, आपका इनर हेल्थ अच्छा है. एंड दैट इज द टेक अवे ऑफ द वीडियो. सो आई वुड से कि दिस वॉज, यू नो, वेरी वेल थॉट ऑफ वीडियो बल्किंग को लेके. अ लॉट ऑफ, यू नो, द स्टफ आई कैन रिलेट, एंड आई कैन से कि बहुत सारे लोग उसको इनफैक्ट कॉपी करके भी बेनिफिट्स उठा सकते हैं. लेकिन जस्ट लाइक, यू नो, गेनर्स की जहाँ तक बात है, सो आई वुड से कि अवॉइड इट. बेहतर ये कि यू नो ट्राई टू ईट रियल फूड ऑफकोर्स. और कार्डियो की जब आप बात करते हैं, सो येस, आई वुड से कार्डियो हैज इट्स ओन प्लेस. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.